अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज हम शायद उतार रहे हैं दरख्त से, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि शायद यहाँ पे गांव में कैसे उतारी जाती है। तो आपने वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप देख सकेंगे कैसे शायद उतारी जाती है। तो चलते हैं और देखते हैं, आप मैं कैमरा बैक करने लगा हूँ और देखते हैं कि शायद कैसे उतारी जाती है। गाइस आप ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी शायद जो कि दरख्त पर बैठी हुई है किक करके। अब हम इसको उतारेंगे और फिर मैं आपको निकाल दिखाता हूँ कि कैसे इसे शहद निकाली जाती है। इसे हम कहते हैं हिंदी में मधुमक्खी। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये धुआं दे रहा है मधुमक्खी को और धुआं देने से मधुमक्खी अंधी हो जाती है। जब अंधी होती है तो ये काट नहीं सकती। तो आप ये उतार है, ये देख सकते हैं आप, ये आपको धुआं नजर आ रहा होगा, ये धुआं दे रहा है इसे। ये जो मधुमक्खी है ये काट नहीं सकती। कहाँ चली गई है? ये देख सकते हैं, ये अब उड़ा रहा है। इस तरीके से उतारी जाती है शहद। ये देखिए उड़ी हुई है, इस तरीके से उतारी जाती है। और अब मैं जब नीचे आएगा ये, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें से शहद कैसे निकाली जाती है इस मधुमक्खी के छत्ते से। जब छत्ता नीचे लेके आएगा उसमें से हम शहद निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे शहद निकाली जाती है छत्ते से। पानी ये लेके आ गया है, अब हम इससे शहद निकाल रहे हैं। वाह कितनी प्यारी है माँ की बेटी। अब ये नीचे देख सकते हैं, नीचे से वो कम से कम एक बाकी किलो डे बना दी। ये देखिए अब दल दे गए शरीर उतरे। वाह माशाल्लाह बाबे बकू कहने और वाला अपना हाथ पर बात है। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये शहद वाली के मधुमक्खी के छत्ते से शहद कैसे निकाल जाती है। और अब मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करने लगा हूं। तो दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।